बीते दिन हरिमंदर साहब गलियारे दीआं एंट्रियां नूं एसजीपीसी वल्लों बैरीगेटिंग करके बंद कर दिता गया सी। पर लगातार सिख जथेबंदियां वल्लों कीते जा रहे विरोध तों बाद एसजीपीसी ने अपने पैर पिछे पुटदिआं दरबार साहब दी एंट्रियां उत्ते कीती बैरीगेटिंग नूं हटाउणा शुरू कर दिता है। तस्वीरां विच देखिया जा सकता है कि एसजीपीसी मुलाजमान ने बंद किए सारे रस्तियां नूं खोलना शुरू कर दिता है। दरबार साहब के मौजूदा हालातों संबंधी साडे सहयोगी ने अहम जानकारी सांझी की है। की ने उत्थों दे मौजूदा हालात लो सुनो। इस समय साडे नाल साडे सहयोगी अमृतसर तों जुड़ चुके ने। जो बैरीगेटिंग की गई है एसजीपीसी वालों वह हटा दी गई है, हुण मौजूदा हालात की ने जानदे आ चरणजीत सिंह अरोड़ा जी तों। जी हाँ चरणजीत जी, की हालात ने उत्थों दे मौजूदा इस समय? वीर जी जिहड़ी बैरीकेटिंग की गई सी दरबार साहब दे सरां गुरु रामदास तों लैके गुरद्वारा बाबा टल राय तक तीन जगह दे उत्ते बैरीकेटिंग की सी। एक लंगर हाल गुरु रामदास जी दे सामने, उस तों बाद एक तेजा सिंह समुंदरी हाल दे बिलकुल सामने जिथों संगत लंघ के श्री दरबार साहब दे दर्शन करन जांदी सी। इहदे नाल एक बैरीकेटिंग जिहड़ी सीगी इहनां टीना लगा के गुरद्वारा बाबा अटल राय साहब दे बिलकुल नाल ही खड़ी कर दित्ती सी तां कि कोई भी व्यक्ति श्री दरबार साहब विच दाखल ना हो सके। लेकिन पंथक जथेबंदियां जिहड़ियां कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे 328 लापता स्वरूपां दे मामले दे विच बैठियां होईयां ने श्री अकाल श्री दरबार साहब दे बाहर, उन्हां दी अज शाम देर शाम नूं जिहड़ी मीटिंग होई है उस मीटिंग तों बाद इह फैसला लिया गया कि इस बैरीकेडिंग नूं तुरंत हटा दिता जाएगा। बाकी मामले जिहड़े हैगे ने उह हाले तक तय नहीं हो सके या सामने नहीं आ सके, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अज उह बैरीकेडिंग हटा के संगतां नूं श्री दरबार साहब के खुले दर्शन दीदार की जी है इजाजत दे दी है। और यह कल रात 3 बजे तो लैके अज शाम 8:30 बजे तक बैरीकेटिंग जी दरबार साहब लगी रही, जिदे करके देश विदेश तो आईया हुई ने संगत सीगिया श्री दरबार साहब के दर्शनों तरसदिया रही। जी वीर जी जी बहुत बहुत धन्यवाद चरणजीत जी साढ़े जानकारी साझी करने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गौरतलब है कि सिख जथेबंदियां ने 328 स्वरूपां दा हिसाब लैण लई दरबार साहिब दे बाहर लगातार मोर्चा लगाया होया है। इसे दे चलदे बीते कल सिख जथेबंदियां नूं दरबार साहिब दे अंदर दाखल होण तों रोकण लई एसजीपीसी ने सारे रस्ते बंद कर दित्ते सन, जिस तों बाद एसजीपीसी दी टास्क फोर्स ते सिख जथेबंदियां विचाले टकराव दी स्थिति भी बनी। पर लगातार बैरीगेटिंग हटाउण दी उठ रही मंग तों बाद आखिर एसजीपीसी ने अपने पैर पिछे खिंचे ने ਅਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ।